तो हेडिंग है तत्वों के गुणों में आवर्तता। एक चीज है, गुण कितने टाइप के होते हैं? तो गुण बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दो प्रकार के गुण होते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है? तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तत्वों के गुणों में आवर्तिता का मतलब क्या है? ठीक ना? तो यहां पर जो है हम बात करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण के संदर्भ में, क्योंकि आवर्तिता नहीं पढ़ना, केवल तत्वों के गुणों में आवर्तिता मतलब उसके गुण के भी बारे में पढ़ना है। तो मान लेते हैं इसकी परिभाषा जो बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी, मान लीजिए कई तत्व है, ठीक ना? तत्व हम एक को बोलते हैं कि तत्वों वर्ड जो यूज करते हैं, एक तत्व के संदर्भ में एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और एक के लिए क्या यूज होगा? तो मान लीजिए तत्व जो है कई सारे होंगे, और उनको जो है क्या करना है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में रखना है तत्वों को, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रखने या व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल का मतलब गैप है ना, एक निश्चित अंतराल पर इनके भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण कि पुनरावृत्ति होती है या दोहराए जाते हैं, पुनरावृत्ति होती है या दोहराए जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्वों की आवर्तिता। ठीक है ना? तो परिभाषा क्या बनेगी? तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। ठीक ना? अब ये जो है आवर्तिता, अगर आपको देखना है तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बात सोडियम की करते हैं, पोटेशियम की करते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, तो 2, 8, 10, 1, 11 बाहर में कितना आया? 1। और ये 19 कितने आया? तो 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। तो ये जो है आवर्तिता का गुण जो है बेसिकली हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो ये जो है इनका गुण जो है आपस में समान दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? तो आवर्तिता का गुण कहलाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है, लिखिएगा। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल पर
इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति लिखा है, पुनरावृत्ति होती है, इसी गुण को ही आवर्तिता कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि तत्वों के गुणों का निर्धारण का मुख्य आधार क्या बन गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, वही लिख दीजिएगा, एक फिर डालिएगा, तत्वों के आवर्तिता का कारण। ठीक ना, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो है हमको ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि तत्वों के आवर्तिता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा उसमें तत्वों के आवर्तिता के गुण का कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जिसमें सबसे अंदर वाला लिया जाता है सबसे बाहर वाले को, तो बाहर वाले क्या बोलेंगे, बाह्यतम कोष। ठीक ना, क्या लिखे जी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इस गुण की पुष्टि होती है। मतलब इस नियम को फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कोई मेथड नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बना लीजिए दोनों, नहीं छोड़ दीजिए। देखिए, परिरक्षण या आवरण, परिरक्षण या आवरण का मतलब क्या होता है, इसका पहले मतलब समझेंगे। ये जो है किसी भी चीज को सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरीके से वहां पर एक आवरण या परत का निर्माण करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक ना, परत का कार्य करता है।
अब परत का कार्य कब करेगा? तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, तभी काम करेगा। तो यहां पर जो है हमको इतना पता है कि कोई भी तत्व होगा उसका क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और इसके चारों तरफ जो है कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं, यही होता है ना। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो ऋणावेशित होते हैं। और वही प्रोटॉन कैसा होता है, तो धनावेशित। एक चीज बताइए, आज तक देखे लड़की की शादी लड़की से हुआ हो? नहीं ना। तो लड़का लड़का का शादी लड़का से नहीं होता, लड़की का शादी लड़की से नहीं होता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक, या जिसको हम रिपल्सन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहने के बाद भी उदासीनता का लक्षण कभी प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही बात की जाए तो प्रतिकर्षण किसके किसके बीच होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, और इनके ऊपर आवेश कौन सा पाया जाता है, तो माइनस। इसीलिए क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए प्लस और माइनस वाले जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनको एक दूसरे के संपर्क में ले जाए तब यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण का मामला, अट्रैक्शन वाली क्वालिटी आ जाएगी, है ना। तो जब यहाँ पर आकर्षण उत्पन्न होगा तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रोटॉन के नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा आकर्षित होगा कि दूर वाला। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये कोई मान लीजिए जो है एक चुंबक है, मैग्नेट है, ठीक ना, और इसके अगल बगल जो है आपने मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लोहे का टुकड़ा रखा, 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर वाला ज्यादा खींचेगा या 15 सेंटीमीटर वाला, जो नजदीक होगा उस पर ज्यादा बल लगेगा वो ज्यादा खींचेगा। वैसे ही यहाँ पर यह सिद्धांत जो है अगर देखा जाए तो ये कहता है कि जो नाभिक के सबसे नजदीक होगा, जो नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा होगी उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा आकर्षित होंगे, कब ज्यादा आकर्षित होंगे। वही जो सबसे बाहर वाली कक्षाएं होंगी उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या लगेगा, बहुत कम ही, बहुत ज्यादा बहुत कम, ठीक ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे अंदर वाली जो परत है या नाभिक के सबसे नजदीक वाली जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आकर्षण का गुण ज्यादा पाया जाता है, वही जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आकर्षण का गुण बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षाओं के बढ़ने के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है और दूर चले जाते हैं, क्योंकि कक्षा बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर ये त्रिज्या जो भी होगी, मान लेते हैं इसको R मान लेते हैं, ये हो जाएगा R+1, ये क्या हो जाएगा R+2। तो मतलब कक्षाओं के बढ़ने के साथ, मतलब एक गोले के ऊपर जितना गोला बनेगा उसकी त्रिज्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। पहले गोले की त्रिज्या जो होगी दूसरे गोले की त्रिज्या उससे हमेशा ज्यादा होगी, तीसरे गोले की त्रिज्या और होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक गोला क्या दिखाता है, एक कक्षा दिखाता है, और जैसे जैसे गोलों की संख्या बढ़ेगी या कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो है परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो कक्षा परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक होगा उस पर आकर्षण बल ज्यादा से ज्यादा लगेगा, और जो कक्षा जो है जितने दूर होगा उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, उतने अधिक होगी, और उस पर लगने वाला आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, उतने कम होगा। लेकिन आकर्षण बल काहे कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा खर्च हो गया,
नजदीक वाले माइनस पर प्रोटॉन जो था वो क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा बिजी हो गया। तो जब ज्यादा ज्यादा इधर बिजी हो गया तो इधर उधर ज्यादा आकर्षण बल लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो इसी जो अंदर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण जो है एक परत की तरह कार्य किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवरण प्रभाव। तो यहाँ पर आवरण प्रभाव कौन होगा, पहला कक्षा या अंतिम कक्षा? पहला कक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें हो गया आकर्षण, इधर हो गए बिजी, बाकी बाहर की तरफ कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी को हम क्या बोलेंगे, परिरक्षण या आवरण प्रभाव। तो आवरण प्रभाव यहाँ पर कौन सा कक्षा किया, तो पहला नाभिक के नजदीक वाला पहला कक्षा। बात समझे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? इसको बना लीजिए पहले। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो इसमें परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा जो है बहुत आसान है। तो मान लेते हैं कोई तत्व तो है, क्या है, कोई तत्व तो है, और उसका कोई एक परमाणु है, और उस परमाणु में जो है हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो नाभिक होता है और कक्षाएं होती हैं, नाभिक और कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में जो है नाभिक के निकट या सबसे निकट हम कह सकते हैं, नाभिक के सबसे निकट या आंतरिक कक्षा, ये क्या करती है, तो नाभिक के प्रति आकर्षण कम उत्पन्न करेगी, ज्यादा आकर्षित कम होगी, ज्यादा हाँ मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है ना, और ये इसका नाभिक हो गया, तो जो ज्यादा अंदर होगा वो ज्यादा आकर्षित होगा, जो ज्यादा दूर होगा वो कम आकर्षित होगा। तो नाभिक के सबसे निकट या आंतरिक कक्षा क्या होती है, नाभिक के तरफ अधिक आकर्षित होती है। अधिक आकर्षित होते हैं और इस कक्षा के द्वारा एक परत या आवरण का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, तो परिरक्षक है, परिरक्षण है ना, या आवरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है कायदेस नहीं नया, जैसे मान लेते हैं यह कोई एक परमाणु है और ये इसका नाभिक है, तो इसके अगल बगल जो है जितनी कक्षाएं हैं इनमें जो है ये जो पहली कक्षा है
और ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी और ये चौथी है। इसमें से सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस पर लगेगा तो पहली कक्षा पर, और सबसे कम किस पर लगेगा तो सबसे बाहर वाली पर। सबसे कम आकर्षण बल सबसे बाहर वाली पर लगेगा, ठीक ना? तो सबसे बाहर वाली पर लगेगा सबसे कम, तो उसका कारण कौन है? ये क्या करता है, सबको बचा लेता है, अर्थात ये एक परत का कार्य किया नहीं किया, है ना? तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी तत्व के किसी परमाणु में नाभिक और कक्षाएं उपस्थित होती हैं, और इनमें से नाभिक के सबसे निकट वाली आंतरिक कक्षा, सबसे निकट वाली या आंतरिक कक्षा नाभिक के तरफ अधिक आकर्षित होती है। बात की जाए अगर क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, लात मार के भगा देते हैं, खींच लेते हैं, आकर्षित करते या खींच लेते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर जो है एक दूसरे से ज्यादा आकर्षण उत्पन्न करते हैं, परिणाम स्वरूप ये इनके जो मतलब आयन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। जब वो आपस में व्यस्त हो जाएंगे तो ज्यादा बचेगा, कम, बहुत कम बचेगा जो बाहर की तरफ आकर्षण उत्पन्न कर सकेगा। तो इस आधार पर जो है यह सिद्धांत जो है तत्व के परमाणु पर लागू होता है, ठीक है? लिखिएगा, बाद निकाल पहले लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, तत्वों के अंदर परिरक्षण का गुण किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु के परमाणु में लिखिए किसी तत्व के परमाणु में नाभिक तथा कक्षाएं पाई जाती हैं, जिसमें नाभिक में धनावेश पाया जाता है तथा कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हो गया? और किसी तत्व के परमाणु का नाभिक का धनावेशित भाग प
परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः नाभिक के पास उपस्थित कक्षा से दूर स्थित अन्य कक्षाएं, अन्य कक्षाओं लिखिएगा, अन्य कक्षाओं की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी कम, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी ऊर्जा परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। यार पहले गोले का त्रिज्या इतना है, दूसरे वाले का इतना हो जाएगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या लिखे आप लोग? परमाणु त्रिज्या कक्षाओं की परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ उन पर लगने वाला आकर्षण बल का मान घटता जाता है। और यह प्रभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ? पहले कक्षा के कारण या किसी और के कारण? यह प्रभाव नाभिक के पास वाली कक्षा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सिद्धांत है। तो एक बार जो है हम लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, नाभिक है। नाभिक के पास जो ये पहला वाला गोला आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला कक्षा, ये दूसरा, ये चौथा। तो चुंबक, अभी हमने बताया कि चुंबक के जितने पास जो लोहा रहेगा उतने ज्यादा खींचेगा, जो लोहा जितने दूर रहेगा उतने कम खींचेगा। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है उसके, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ऋणावेशित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जितने दूर होगा उतने कम आकर्षण बल लगेगा उस पर, जो इलेक्ट्रॉन जितने पास होगा नाभिक के उस पर उतने ज्यादा आकर्षण लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अब पता लगा पहला वाला कक्षा और प्रोटॉन ज्यादा बिजी हो गए, तो बाहर इधर उधर ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक तो दूरी के कारण ही खींच पाते हैं और दूसरा यहीं पर बिजी भी हो जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये सिद्धांत जो है कैसे काम करता है, कोई दिक्कत? तो परीक्षण आवरण का काम कौन सा कक्षा किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा? पहला वाला।
ठीक है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भाग के जाते, ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भाग के जाते, लेकिन जब उनको पास में मिल जाए तो दूर जाने की क्या जरूरत है। बस मुझे खाली छोड़ दी।